क्या है देखिए पूरा हमने मामला, क्या देखिए है मैं आपको मामला? बता देता हूँ पूरा मामला। ये हमारा जो केस है मैं आपको जिस्ट में बता देता हूँ। हमारा केस ये है कि 13.37 एकड़ जमीन पे भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था। उस भव्य मंदिर को एक बर्बरता आक्रांता औरंगजेब ने 1669-1670 में डिमोलिश कर दिया और ये आदेश दिया कि जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा में जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाएं कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उस पर कुचलते हुए जाएं। उसके बाद 1815 में राजा पटनीमल जो बनारस के राजा थे उन्होंने 13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा और वो सारी जमीन राजा पटनीमल के वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को 1944 में इस मंशा से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। 1950 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ इस मंशा से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो और एक फेक संस्था बनाई गई 1958 में जिसका मिलता जुलता नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में एक केस फाइल किया और 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक समझौता किया और समझौते में यह कहा कि जिस तक शाही ईदगाह मस्जिद जहां तक घुस आई है वो उसको उसने वैलिड जिसे कहते हैं करार दिया और हमने वर्चुअली अपने केस में 12 अक्टूबर के समझौते को चैलेंज किया और ये कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को कोई हक नहीं था भगवान की संपत्ति के साथ समझौता करने का और ये इसके ओरिजिनल मालिक भी नहीं है। और इसी क्रम में हमने एप्लीकेशन लगाई कि शाही ईदगाह मस्जिद जहाँ बनी हुई है उस पूरे जगह का एडवोकेट कमीशन द्वारा 3 मेंबर पैनल द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन में और विद वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफीज का सर्वे कराया जाए। आज हमारी मांग को मानते हुए माननीय न्यायालय ने इन प्रिंसिपल एडवोकेट कमीशन की मांग अलाउ कर दी है। कितने लोग जाएंगे, कितना मेंबर एडवोकेट कमीशन का पैनल होगा, क्या मॉडेलिटीज होंगी, ये सारी बातें दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय 18 दिसंबर को निर्धारित करेंगे। सर इस पर मुस्लिम पक्ष की क्या दलील थी? देखिए ये एसआई सर्वे नहीं है, ये एडवोकेट कमीशन का सर्वे है। जैसे ज्ञान व्यापी के केस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे पहले हुआ था ये वही सर्वे है। मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का आर्ग्यूमेंट उनका डील किया जाए और ये केस 7/11 से बार्ड है, इस चीज को पहले देखा जाए। कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट साइड किए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 7/11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड की जाए और इसीलिए उनकी मांग को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया है और हमारी जो एप्लीकेशन थी एडवोकेट कमीशन सर्वे की उसको अलाउ कर दिया। सर इसमें क्या मुस्लिम पक्ष आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है जैसा कि देखिए मैं समय है देखिए मैं तो क्या ये जो 18 दिसंबर को